नमस्कार विवश, आज एक ठेकेदार बंधु का कमेंट आया है कि सर गोडाउन बनाना चाहता हूँ, आप बताइए जरा कि ठेकेदार का गोडाउन कैसा होता है। दोस्तों, ठेकेदार का गोडाउन उसकी आत्मा होती है। जब तक जैसे दुकानदार की दुकान की सजावट और दुकान में जिस तरह से सामान रखा हुआ होता है वो दुकानदार की हैसियत बताता है, किस हैसियत का दुकानदार है। तो मैं कहना चाहूँगा, यदि आप नए ठेकेदार हैं और गोडाउन बनाना जा रहे हैं तो आपको तीन बातों का कम से कम ध्यान रखना चाहिए। और वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? शहर से दूर, थोड़ा दूर कोई प्लॉट लीजिए आप जो मेन रोड के ऊपर हो, क्योंकि ठेकेदारी बिजनेस में आपको व्हीकल्स की काफ़ी आवश्यकता होती है और व्हीकल्स के लिए मेन रोड ज़्यादा सूटेबल रहती है। इसलिए मेन रोड के ऊपर आप 100x100 का एक प्लाट ले लीजिए, या यूं कह सकता हूँ 1 बीघा ज़मीन आप ले लीजिए। 1 बीघा ज़मीन आप ले लेंगे जिसका फ्रंट होना चाहिए 165x165 फीट, शायद उसको 1 बीघा बोलते हैं, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। तो इतना बड़ा यदि आप प्लॉट ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गोडाउन हो सकता है। दूसरी बात, पूरे गोडाउन के यदि आप तुरंत बाउंड्री वाल नहीं करा सकते तो 2-2 फीट ऊंची बाउंड्री वाल जरूर करवाइएगा और उसमें 8 फीट के एंगल लगवाइएगा जिनमें 2 फीट का हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो जाए, ऊपर से ऐसे होता है ना एंगल, वैसे हो जाए, और उसके बारबेंडिंग वायर लगवा दीजिए, कांटेदार जो तार होते हैं वो लगवा दीजिए। आगे गेट के पिलर जरूर बनवा दीजिए और गेट कम से कम भी आपका 14 फीट चौड़ा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 14 फीट चौड़ा आपका गेट होना चाहिए और गेट के पिलर के साथ में आपका 4 फीट का एक छोटा गेट होना चाहिए जो आने जाने के लिए व्यक्ति को खुद को कहीं आना जाना पड़े, ऐसी स्थिति में वो गेट आपका बहुत काम आएगा। और बड़ा गेट जब आपकी गाड़ियां आती हैं तब खुलता रहेगा। दोस्तों, बड़े व्हीकल रखना आपकी मजबूरी हो जाएगी, या यूं कह सकता हूं ठेकेदारी की जरूरत हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आज आप जो भवन निर्माण कर रहे हैं या गोडाउन निर्माण कर रहे हैं उसके लिए आपको एक शेड बनाना चाहिए। वो शेड आपका कहाँ होना चाहिए? नैऋत्य कोण की तरफ शेड होना चाहिए, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको एक शेड बनाना चाहिए। वो शेड आपका कम से कम 50x30 का, 50x30 फीट का शेड होना चाहिए। यदि आप लंबे तरीके से या बढ़िया तरीके से गोडाउन को सेट करना चाहते हैं तो बड़ा शेड बनाइएगा। उस शेड के अंदर आपकी सारी वो शटरिंग्स जो बारिश से खराब हो सकती हैं, धूप से खराब हो सकती हैं, वो सारी शटरिंग्स उसके अंदर खड़ी रहेंगी। वो मशीनरी जो छोटी हैं वो उसके अंदर खड़ी रहेंगी और ऐसी स्थिति में उनके जंग नहीं आएगा। जब भी आपके काम एक साइड से दूसरी साइड पर सामान शिफ्ट होता है तो, और उन गोडाउन के भी गेट आप थोड़े लंबे रखिएगा, चौड़े रखिएगा, उन गेट में गाड़ी आराम से जा सके, ऐसे गेट बनवाइएगा आप, गाड़ी सीधी की सीधी अंदर चली जाए। अब गाड़ी सीधी जाने के लिए आपको गेट कैसे बनवाने होते हैं? स्लाइडिंग गेट बनवाइए आप, इधर 10 फीट खुल जाए दीवार के साथ हो जाए और इधर 10 फीट दीवार के साथ हो जाए। उनमें खिड़कियां मत दीजिए आप, वेंटिलेटर जरूर दीजिए ताकि रोशनी और हवा दोनों उनमें मिलती रहे। उस शेड के ऊपर आप नालीदार चादरें दे सकते हैं, सीमेंट की चादरें दे सकते हैं, या और कोई जो आपके जचता है वो दे सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा, उस शेड के ऊपर आरसीसी की छत मत डालिए, क्योंकि वो शेड हो सकता है आज के 20 साल बाद में, 30 साल बाद में, 50 साल बाद में आपके आने वाली पीढ़ी को ठेकेदारी नहीं करनी हो तो ऐसी स्थिति में उखाड़ा जा सके। अब आपको क्या करना है? अब आपको वहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर बनाना है जिसमें आपका एक चौकीदार वहाँ रहेगा। उसके लिए आपको एक रूम कम से कम, लेट बाथ और एक छोटा सा किचन और छोटा सा बरामदा,
ये आपको बनाना चाहिए और ये आपका अग्निकोण में होना चाहिए। अग्निकोण का मतलब होता है दक्षिण और पश्चिम की दिशा का जो जॉइंट होता है उसको अग्निकोण बोलते हैं। उसमें किचन बनवाइए, उसके पास वाला कमरा हो जाएगा, बीच में छोटा सा बरामदा दे दीजिए, साइड में आजू बाजू कहीं लेट बाथ बना दीजिए। वो लेट बाथ ऐसे होनी चाहिए जो अच्छे हों, वहाँ आप भी यदि जाएं तो आप उनका उपयोग कर सकें। अब बात आती है गेट के आगे आपको एक कम से कम 6x8 का वॉचमैन रूम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गेट के पास में जो आपको मैंने छोटा गेट बताया था उस छोटे गेट के ऊपर आपको एक वॉचमैन रूम जरूर रखना चाहिए। वो 8x8 का हो सकता है, उसकी छत 7 फीट 8 फीट ऊंचाई तक छत ले लीजिए। छत में RCC स्लैब डाल सकते हैं या चौके डाल करके बना सकते हैं, और उसके छत के ऊपर पैरापिट जा वाल कहते हैं अपन, वो ज़्यादा ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर कोई ऊपर चढ़ना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उस पर छत डाल करके बाटा बांध करके लेवल कर दीजिएगा, थोड़ी सी ढाल दे दीजिएगा, 1 इंच की ढाल चारों तरफ दे देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। उसमें आपका वॉचमैन जो भी रहेगा वो वहाँ गेट के ऊपर तैयार मिलेगा, उसकी ड्यूटी होगी। यदि वॉचमैन अपनी फैमिली भी रखे तो आपने जो कमरे बनाए हैं किचन बनाई है वहां उनकी फैमिली रह जाएगी और वॉचमैन वहां बैठा रहेगा। अब बात आती है कि ये सारे संसाधन आप बनाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा। देखिए दोस्तों, खर्चे के मामले में बात यह है कि ये अलग अलग साइट्स पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जमीन की कीमत होती है, क्योंकि आप भविष्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो लैंड आपने खरीदी है, 1 बीघा जमीन खरीदी है, ये आपकी मेन रोड के ऊपर है और धीरे धीरे समय पा करके ये करोड़ों रुपए की हो जाएगी। और उस दिन यदि आप वहाँ अपना बंगला भी डालें तो शेड को उखाड़ करके बंगला डाल सकते हैं। वो सर्वेंट क्वार्टर जो आपका है वो परमानेंट वैसे ही बना रहेगा। वॉचमैन जब आपकी 1x1 बीघा जमीन है तो वॉचमैन क्वार्टर की जरूरत रहे, वॉचमैन हटमेंट की जरूरत रहेगी, इसलिए कुछ उखाड़ना नहीं पड़ेगा, आपको केवल शेड उखाड़ना पड़ेगा। आशा है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ। यदि पूरी जानकारी दे पाया हूँ तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में भेजिएगा, क्योंकि जो वीडियो आपके लिए बहुत काम का है वो आपके दोस्तों के लिए भी बहुत काम का हो सकता है। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, आपका एक कमेंट दूसरों का मनोबल बढ़ाता है, मुझे नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने से भी ज़्यादा अपने माताजी पिताजी का ख्याल रखिएगा।